गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आपके साथ एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूं। जो हमारी नई कविता है और इस कविता के दो भाग हैं। पहला भाग है कवितावली और इसके तीन पद हैं हमारे सिलेबस में और ये उत्तरकांड से ली गई है। इसके अतिरिक्त इसी का दूसरा भाग है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों में से एक की ऑडियो बनाएंगे हम अभी और एक की हम फिर बनाएंगे, क्योंकि दोनों की अगर एक ऑडियो बनाई तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, छोटी बनाई तो हो सकता है समझ में न आए। तो पिछली कविता जो हमारी थी उषा, कि किस प्रकार एक कवि एक साहित्यकार में और एक आम मनुष्य में अंतर होता है। एक आम व्यक्ति के सामने जो घटनाएं घटती हैं वह उनसे न कुछ सीख ले पाता है और न ही उन्हें दूसरों के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाता है, जबकि एक कवि एक साहित्यकार सामान्य में से ही असामान्य तथ्य निकालता है, असामान्य बातें निकालता है। तो आज की जो हमारी कविता है उस कविता पर आते हैं, कवितावली, और ये उत्तरकांड से ली गई है। इसके कवि भगवान श्री राम के परम भक्त तुलसीदास हैं, जिन्हें भारतीय संस्कृति का एक वटवृक्ष भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास के जीवन की असंख्य घटनाएं हैं, लेकिन अधिक घटनाओं का मैं यहां वर्णन नहीं करूंगा, केवल एक घटना का वर्णन करूंगा कि तुलसीदास का विवाह हो गया रत्नावली के साथ। रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह हो गया। विवाह के बाद और दो दिन बाद, तीन दिन बाद, जैसे हमारे समाज में मान्यता है कि जो नव विवाहिता है वह एक दिन दो दिन के बाद वापिस अपने मायके जाती है। वह अपने मायके में माँ से, पिताजी से, भाई से, बहन से चर्चा करती है कि उन्हें ससुराल में कैसे लोग मिले हैं, उनका आचार व्यवहार कैसा है। तो रत्नावली भी अपने मायके गई और जो तुलसीदास हैं ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उन पर बहुत आसक्त थे, मुग्ध थे, और ये उनके पीछे पीछे अपने ससुराल पहुंच गए। जब रत्नावली अपने घर पहुंची तो उसके लगभग आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद तुलसीदास भी वहां अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पहुंच गए। तो जो रत्नावली है उसकी सखियों ने रत्नावली की बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत मजाक उड़ाया कि अरे रत्नावली, तुम्हारे पति तो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, देखो एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह सके, तुम अब आई हो और थोड़ी देर बाद ही वे भी आ गए हैं, बहुत प्रेम करने वाले पति मिले हैं। और इस प्रकार कह करके रत्नावली को चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं। इस पर रत्नावली बहुत नाराज होती है और तुलसीदास से कहती है कि जितनी प्रीति, जितना प्यार, जितनी आसक्ति तुम्हारी मुझ में है, अगर उतनी ही आसक्ति भगवान श्री राम में हो तो तुम अमर हो सकते हो, तुम्हारा इस पूरी दुनिया में, इस संसार में नाम हो सकता है, तुम्हारा नाम रोशन हो सकता है। और यही एक वाक्य, यही एक घटना तुलसीदास के जीवन को बदल देती है और ये अपनी पत्नी को लेने की अपेक्षा वापिस खुद अकेले ही घर आ जाते हैं और भगवान श्री राम की जो रचनाएं हैं, भगवान श्री राम का ध्यान करने लगते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो था कवि के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो कविता है ये हमारे सिलेबस में क्यों दी गई है, हमें क्या इससे जानकारी मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है। कहने का अर्थ है कि इस कविता का उद्देश्य क्या है। इस कविता का उद्देश्य है समकालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर हमें किसी भी समय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, अगर हमें अंग्रेजों के टाइम की जानकारी प्राप्त करनी है, हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करनी है, हमें अकबर के समय की जानकारी प्राप्त करनी है, या हमें और पुराने समय की जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस समय की, उस समाज की परिस्थितियां कैसी थी उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आज से 100 साल पहले का समाज कैसा था। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 100 साल पहले का समाज कैसा था, मैं आपको बताऊंगा कि 100 साल पहले हमारे समाज की परिस्थितियां कैसी थी। जैसे आज से 100 साल पहले
आज वर्तमान में जैसे स्कूल हैं वैसे स्कूल नहीं होते थे, जैसे हॉस्पिटल होते हैं वैसे हॉस्पिटल नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थी, पक्के मकान नहीं होते थे, बिजली नहीं होती थी, मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, यातायात और संचार के साधनों की बहुत कमी थी, भूखमरी का शिकार लोग रहते थे, समय पर अनाज नहीं मिलता था। कहने का अर्थ है कि उन लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न था, एक पशु के समान था। जिस प्रकार पशु का जीवन होता है, अपना पेट भरे, खाए, पिए और सोए, उसी प्रकार का जीवन उनका था। न उन्होंने कभी भी कोई नई खोज करने की सोची, न उन्होंने कभी ज्यादा पढ़ने का विचार किया, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र मकसद अपने पेट की आग बुझाना था, अपना पेट भरना था। तो अब हम कविता पर आते हैं। तुलसीदास जो हैं, उनका जो समय है, यह समय अकबर का भी समय है। जब अकबर भारत पर राज करते थे, उस वक्त तुलसीदास भी एक सामान्य नागरिक थे, भारत के एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। और वे बताते हैं कि उस वक्त हमारा समाज कैसा था, किस वक्त, अकबर के समय। और इसका उद्देश्य यही है कि हमें जिस समय के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, हम उस समय की परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे। तो यहां महात्मा तुलसीदास, कवि श्रेष्ठ तुलसीदास, अपने समय की परिस्थितियां बता रहे हैं कि ये परिस्थितियां किस प्रकार की थी। तो कवि कहते हैं, काम धंधा करने वाले लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा था, किसानों के पास खेतीबाड़ी नहीं थी, बनिए जिन्हें हम व्यापारी कहते हैं उनके पास व्यापार नहीं था, भिखारियों को भीख नहीं मिलती थी, नाच गाकर कूदकर जो अपना पेट भरते थे, जिन्हें हम भाट कहते हैं, उनके पास भी अपना कार्य नहीं था। जो चंचल नट होते हैं, उछल कूद करके, तमाशा करके अपना पेट भरते हैं, उनके पास भी अपने पेट भरने का साधन नहीं था। यहां तक कि चोरों के पास भी अपना किसी प्रकार का काम धंधा नहीं था, जादूगरों के पास भी किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं था। और ये व्यक्ति जो भी कार्य करते थे, वे जरूर सोचते थे कि उस कार्य से हमारा पेट जरूर भर जाना चाहिए। यानी किसान केवल अपना पेट भरने के लिए काम करता था, व्यापारी, भिखारी, भाट, नट, चोर, जादूगर, शिकारी, ये सभी केवल अपना पेट भरने के लिए काम करते थे, क्योंकि इन्हें पता था इससे ज्यादा तो हमारे पास आ ही नहीं सकता है, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि समाज के सभी वर्ग अपना पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते थे, जिसको हम नीच कर्म कहते हैं वे भी करते थे, और बड़े महान कर्म होते हैं वे भी करते थे। किस लिए करते थे? केवल अपने पेट की आग बुझाने के लिए। धर्म अधर्म भी करते थे, धार्मिक कार्य भी करते थे और अधर्म के कार्य भी करते थे। किस लिए करते थे? केवल अपने पेट की आग शांत करने के लिए। कवि कहते हैं कि कुछ लोग तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए अपने बेटा बेटी तक को बेच देते थे। तो यहां हम अकबर के समय की परिस्थितियों का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जहां व्यक्ति अपने बेटा बेटी को, जो अपनी जान से ज्यादा प्यारे होते हैं, केवल भूख मिटाने के लिए बेच देते हों, उस समय की परिस्थितियां कैसी रही होंगी और उन लोगों का जीवन स्तर कैसा रहा होगा, उनका रहन सहन कैसा रहा होगा, वे किस प्रकार अपना जीवन यापन करते रहे होंगे। आगे कवि कहते हैं कि पेट की जो आग है, ये आग वाडवानल से भी बड़ी आग है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं बताना चाहूंगा कि आग तीन प्रकार की होती है। एक वाडवानल, वाडवानल होती है जो समुद्र में आग लगती है, समुद्र में लगने वाली आग को वाडवानल कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहते हैं। तो यहां कवि कहते हैं कि जो जठरानल है, जो पेट की आग है, यह वाडवानल से भी, समुद्र की आग से भी बड़ी है। आगे कवि कहते हैं
किसानों के लिए खेती नहीं है, भिखारी के लिए भीख नहीं है, व्यापारी के लिए व्यापार नहीं है, तो लोग यही सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार अपना जीवन यापन करें, अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। लोग एक दूसरे से कहते हैं कि हे भाई, अब हम क्या करें, इस पेट की आग को बुझाने का, शांत करने का क्या तरीका है। ऐसे में तुलसीदास कहते हैं कि मैंने वेद पुराणों में पढ़ा है और इस समाज के प्रबुद्ध लोगों से, समझदार लोगों से जाना है, मुझे पता चला है कि जब दुख की घड़ी आती है, संकट की घड़ी आती है, समस्या आती है, तो उस वक्त सांवले सलोने भगवान श्री राम ही लोगों की सहायता करते हैं और भगवान श्री राम ही इस गरीबी रूपी रावण से हमारा छुटकारा दिलाएंगे। और ऐसा सोच करके तुलसीदास ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। आगे तुलसीदास कहते हैं कि चाहे कोई मुझे चालाक कहे, चाहे कोई मुझे अवधूत सन्यासी कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे या कोई मुझे जुलाहा कहे। और ये सभी बातें तुलसीदास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं यहां वर्णन कर रहा हूं, मैं वास्तविक वर्णन कर रहा हूं। कोई मुझसे नाराज होता है तो होता रहे, कोई मुझे चालाक कहे कि तो बड़ा चालाक आदमी है, देखो प्रशासन की अवहेलना कर रहा है। तो कवि कहते हैं चाहे कोई मुझे चालाक कहे, चाहे कोई सन्यासी कहे, कोई राजपूत कहे, कोई जुलाहा कहे, मुझे कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, समस्या नहीं है। मुझे किसी की बेटी के साथ किसी के बेटे का ब्याह विवाह भी नहीं कराना है कि मैं किसी की जाति बिगाड़ दूं, दूसरी जाति में विवाह करा दूं, मैं ऐसे कार्य भी नहीं करता हूं। तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो भगवान श्री राम का गुलाम हूं और जो मुझे अर्थात जो श्री राम को अच्छा लगता है मैं वही कहता हूं। मैं तो मांग कर खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं और न किसी से एक लेता हूं और न मैं किसी को दो देता हूं। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, न मैं किसी दूसरे पर निर्भर हूं और न मैं किसी की जानबूझकर गलत आलोचना कर रहा हूं, न मुझ पर किसी का दबाव है, न मैं किसी से डरता हूं। मैं तो हमारे युग की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ही लोगों के सामने ला रहा हूं, उन्हीं परिस्थितियों को मैं लिख रहा हूं। वीडियो शायद ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारी पहली कविता जो कवितावली है उत्तरकांड से पूरी हुई और आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर भी कोई समस्या रहती है तो मुझसे जरूर पूछेंगे। अगली जो कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसको भी हम इसी चैप्टर में भेजेंगे।